जैसा कि आपको पता है कि हमने सब्जेक्ट यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी शुरू किया हुआ था, तो आज इसका लेक्चर नंबर 14 है। इसका अनुमान है डेस्कटॉप पब्लिकेशन, यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है? तो मैं आबिद हुसैन, एमफिल, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस स्कॉलर। मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ ही आज पढ़ाऊंगा। और अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से या पिछले लेक्चर के हवाले से कोई भी फीडबैक हो, तो आप मुझे इस ईमेल पे write to abidhusain@gmail.com पे रब्ता कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड, दैट व्हाट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यूजेस कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजिटल ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया फॉर्मेटिंग टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस। आप कोई भी मल्टीमीडिया फॉर्मेट में कोई भी फाइल या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, मतलब अदर देन प्रिंट हो या प्रेजेंटेशन, और आप डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, तो शॉर्ट अल्फाज में से कहते हैं कि जो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या फाइल हो या डिजिटल ग्राफिक्स हो, इसको डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग कैन क्रिएट डिजिटल पेजेस दैट आर मेंट टू बी व्यूड इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल एज वर्चुअल पेजेस विच आर ट्रांसफर टू फिजिकली प्रिंटेड पेजेस। आपने कोई चीज़ डेस्कटॉप पे क्रिएट कर दी, जब तक आपने उसकी प्रिंट नहीं निकाली हो, उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग या डेस्कटॉप पब्लिकेशन। और वो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में होते हैं, बाद में अगर आप उसे फिजिकल प्रिंटेड में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी कर सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग आर इलेक्ट्रॉनिक पेजेस। इलेक्ट्रॉनिक पेजेस इंक्लूड बेसिक वेबसाइट्स, ऑनलाइन मैनुअल्स, गाइड्स, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड डिजिटल आर्काइव्स। बिकॉज दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट फिजिकली प्रिंटेड, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन अलाउ टू इजिली क्रिएट, एडिट एंड मॉडिफाई दीज डॉक्यूमेंट्स ऑन अ कंप्यूटर बिफोर सबमिटिंग दी मीडिया टू बी शेयर डिजिटली। इलेक्ट्रॉनिक जितनी पेजेस हैं और आपने उसका प्रिंट अभी तक नहीं निकाला, चाहे वो वेबसाइट हो, हाँ, चाहे ऑनलाइन मैनुअल, चाहे गाइड हो, चाहे बुक्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ईमेल्स हो, या मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन हो, या डिजिटल आर्काइव, जब तक उसकी फिजिकल फॉर्मेट में वो नहीं आती, तो उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग या इलेक्ट्रॉनिक पेजेस। वर्चुअल पेजेस आर क्रिएटेड एंड फॉर्मेटेड ऑन अ कंप्यूटर बट आर इवेंचुअली प्रिंटेड एज फिजिकल पेजेस। मेनी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर फर्स्ट प्रिंटेड बाय यूजिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम्स। वर्चुअल पेजेस आपने देखे होंगे, ऑनलाइन मैगजीन, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, या इस तरह की जर्नल्स, या मुख्तलिफ किस्म की जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको दूर से नज़र आती होती। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में रह रहे तो रोजनामा जंग या द न्यूज़ या डॉन, इनकी शुरू में जो फाइल आ जाती है उसे कहते हैं ई पब्लिकेशन या ई पेपर। बाद में उसको प्रिंटेड सूरत में जो है ना ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये है डेस्कटॉप पब्लिकेशन के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन, जो कि आपको आज यकीनन पता लग गया होगा कि डेस्कटॉप पब्लिकेशन क्या है या डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है। इसके बाद आते हैं लाइब्रेरी में इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो जाता है। तो यूज ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग इन लाइब्रेरी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न लाइब्रेरीज बाय एनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ विजुअली अपीयरेंट एंड प्रोफेशनली फॉर्मेटेड मटेरियल फॉर वेरियस पर्पस। लाइब्रेरीज यूटिलाइज डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस न्यूज़लेटर, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, पोस्टर्स, इवेंट इनविटेशन, साइनेज, इंस्ट्रक्शनल गाइड्स एंड प्रमोशन मटेरियल। दिस मटेरियल इन्हांस लाइब्रेरी आउटरीच, कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग एफर्ट्स बाय इफेक्टिवली कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट लाइब्रेरी सर्विसेज, रिसोर्सेज, प्रोग्राम्स एंड इवन टू पैट्रन, स्टेक होल्डर्स एंड दी कम्युनिटी। लाइब्रेरी में मुख्तलिफ चीज़ों से हम गुजरते हैं, पैटर्न के साथ शेयर करने के लिए हम न्यूज लेटर बनाते हैं, हाँ, या ब्रोशर्स बनाते हैं, फ्लायर्स बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं।
इंस्ट्रक्शनल गाइड्स इस्तेमाल करते हैं मटेरियल प्रमोट करने के लिए फ्रेश अराइवल सीएएस करंट अवेयरनेस सर्विसेज। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हम यूजर्स यानी लाइब्रेरी पैटर्न के साथ भी शेयर करते हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ भी शेयर करते हैं, और ताकि इसी से हमारी लाइब्रेरी सर्विसेज रिसोर्सेज प्रोग्राम्स और जो इवेंट्स हैं लोगों में अवेयरनेस लाए। तो ये सारा का सारा जो निज़ाम है बजाय प्रिंट करने की हम इसे डेस्कटॉप पे ही रखते हैं और डेस्कटॉप से ही शेयर करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल्स अलाउ लाइब्रेरियंस एंड स्टाफ टू इनकॉर्पोरेट ग्राफिक इमेज चार्ट्स एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स इनटू देयर पब्लिकेशन मेकिंग देम विजुअली इंगेजिंग एंड इम्पैक्टफुल। फर्दरमोर डेस्कटॉप पब्लिशिंग फैसिलिटेट्स कस्टमाइजेशन ब्रांडिंग एंड कंसिस्टेंट डिजाइन स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल लाइब्रेरी कम्युनिकेशन चैनल इंश्योरिंग अ कोहेसिव एंड पॉलिश्ड विजुअल आइडेंटिटी फॉर द लाइब्रेरी। कोई भी चीज़ प्रिंटेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही नहीं। अगर आप कोई डेस्कटॉप कोई डॉक्यूमेंट बनाए या आप विजुअल ग्राफिक बना रहे या आप मल्टी मीडिया एक एलिमेंट बनाए इसमें से आप एडिटिंग करें खूबसूरत करें चार्ट सेट करें इमेजेस उसमें डालें इसके बाद लोगों के साथ शेयर करें एक अच्छा इमेज आता। पाकिस्तानी लाइब्रेरी से ये दरख्वास्त है कि आप जो है ना डेस्कटॉप पब्लिशिंग पे ज़्यादा फोकस करें लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करें आपकी रिसोर्सेज और सर्विसेज लोगों में अवेयरनेस का जरिया भी बने और इसी से आपकी यकीन हो जो लाइब्रेरी सर्विसेज है वो बूस्ट अप हो जाती है। मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।